2 नवंबर को दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वकील ने दिल्ली के साकेत इलाके में एक पुलिस अधिकारी की पिटाई कर रहा है। एक बार फिर से देखिए पूरा वीडियो। इस पूरे वीडियो को दूर से शूट किया गया है। वकील के कपड़ों में एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता है, उसकी पीठ पर कोहनी से वार करता है। इस दौरान लगातार पुलिस वाले को गाली भी दे रहा है। इतना ही नहीं, जब पुलिस वाला बचकर बाइक से भागने की कोशिश करता है, तभी सामने से आ रही एक कार उसका रास्ता रोक देती है। पिटाई करने वाला व्यक्ति यही नहीं रुकता और पुलिस वाले पर हेलमेट से वार करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले की पीले रंग की बाइक को जगह मिल जाती है और वह आगे बढ़ जाता है। 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और वकीलों के बीच हुई लड़ाई में लगभग 20 लोग घायल हो गए थे।